A very good morning class. Hope so you all are doing very well. Students, last video में मैंने आपको ये chapter start करवाया था double entry system. तो आज फिर इसको continue करते हैं double entry system को. तो आपको मैंने तब बताया था double entry system होता क्या है. Double entry system ऐसा system है जो किसको affect करता है, उन two accounts को affect करता है. Suppose करो आपको एक machinery purchase करने जा रहे हो, तो उसकी value जितनी भी है तो आप क्या करोगे, machinery आपके पास आ रही है और जो उसकी value आप pay कर रहे हो वो भी आप उसको दे रहे हो, मतलब कि टू अकाउंट्स को इफेक्ट करेगा. मशीनरी परचेज की एक मशीनरी अकाउंट को इफेक्ट करेगा और बदले में आपने क्या दी, मनी दी. तो एक मनी को किस फॉर्म में लिखेंगे हम, कैश फॉर्म में. तो वो कैश अकाउंट को भी इफेक्ट करेगा. तो टू अकाउंट्स हो गए, मशीनरी अकाउंट्स एंड कैश अकाउंट. और टाइप्स भी बताए थे मैंने आपको, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट. फर्स्ट इज पर्सनल अकाउंट, सेकेंड इज रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल मैंने आपको क्या बताया था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट वो अमाउंट होगी जो आपकी रिसीव हो रही है, मतलब कि कोई आपको सपोज करो पेमेंट लेनी है और वो पेमेंट आपके पास आ गई है तो वो क्या होगा, डेबिट. और डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सपोज करो आपने किसी को पैसे देने हैं तो वो क्या होगी, क्रेडिट. सेकेंड है आपका रियल अकाउंट. रियल अकाउंट का रूल मैंने क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कि जो आपके पास आ रहा है वो क्या होगा, डेबिट, और जो आपके पास से जा रहा है वो क्या होगा, आपका क्रेडिट. सेम एज इट इज ऐसे ही नॉमिनल अकाउंट है थर्ड आपका. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस मीनिंग खर्चे, जो आपके खर्चे हो रहे हैं और जो आपका लॉस होगा वो क्या होगा, डेबिट. और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इनकम क्या, जो आपने पूरा साल में अर्न किया. और गेन्स क्या होते हैं, आपके प्रॉफिट, तो जो आपने गेन किया, जो आपने अचीव किया, और साथ में क्या होगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब कि प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. नेक्स्ट है स्टेजेस. स्टेजेस क्या है आपकी, फर्स्ट ओरिजिनल रिकॉर्ड. ओरिजिनल रिकॉर्ड आप कैसे रखोगे, कि जो आपने ट्रांजेक्शन की है, जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन है उसका ओरिजिनल रिकॉर्ड होना चाहिए. अगर आपके ट्रांजेक्शन स्मॉल स्केल पे बिजनेस है तो आप क्या करोगे, प्राइमरी नोट बनाओगे. स्मॉल स्केल पे बिजनेस के अकॉर्डिंग आप एक रफली बुक भी बना सकते हो, तो वो क्या होती है, एक ट्रांजेक्शन होगी. तो रफली बुक बनाने के बाद अगर आपका बिजनेस बड़े स्केल पे है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ बुक्स में अपने अकाउंट्स को, जितनी भी ट्रांजेक्शंस होगी उसको डिवाइड कर दोगे. तो इसी बेस पे आपका ओरिजिनल रिकॉर्ड प्रिपेयर होगा. अब इसमें जो ओरिजिनल रिकॉर्ड बनाते हो उसमें क्या होता है, सबसे पहले क्या बनती है आपका, जितनी भी आपकी क्या है, ट्रांजेक्शंस है. ये ट्रांजेक्शंस है, सपोज करो ट्रांजेक्शंस के बाद आपका क्या बनता है, जर्नल. ये जर्नल हम कब बनाते हैं, जब हमारा बिजनेस क्या होता है, स्मॉल स्केल पे होता है. देन आपका क्या बनता है, लेजर. लेजर कब बनेगा, जब आपका बिजनेस क्या है, एक लार्ज स्केल पे है. उसके बाद हमारा क्या बनेगा, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस बनेगा. ट्रायल बैलेंस मतलब कि लेजर से जो हमने जर्नल और लेजर में हमने ट्रांजेक्शंस की है उसके बाद हमने सेट करना है कौन सी चीज हमारी किस हेड में जाएगी, तो ट्रायल बैलेंस बनेगा. ट्रायल बैलेंस के बाद आपका क्या बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्या बनेगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये अकाउंट बनेंगे आपके ट्रांजेक्शन. ये क्या है आपके, अकाउंटिंग साइकिल है. इसमें जर्नल बन रहा है, जर्नल के बाद लेजर बन रहा है, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बन रहा है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. अब जो जर्नल और लेजर बन रहा है इसमें क्या होता है, अब आपको ये नहीं पता कि कौन सी आइटम हमने कहाँ लिख दी है, तो आप क्या करोगे, अलग बुक्स बनाओगे, कि सेल्स बुक बनाओगे, परचेज बुक बनाओगे, सेल्स रिटर्न बुक बनाओगे, परचेज रिटर्न, कि मतलब कि जो सेल से रिलेटेड एंट्री होगी वो सेल्स बुक में बनेगी और जो परचेज से रिलेटेड एंट्री होगी वो परचेज बुक में. तो अलग अलग हेड होंगे, जिस अकॉर्डिंग हमारी ट्रांजेक्शंस होगी उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपनी ट्रांजेक्शंस को बुक्स में मेंशन करेंगे. नेक्स्ट है आपका स्टेजेस ऑफ अकाउंट. जो स्टेजेस है डबल एंट्री सिस्टम की वो क्या है, फर्स्ट ओरिजिनल रिकॉर्ड हो गया. ओरिजिनल रिकॉर्ड आपने क्या किया, ये सब लिख लिया. सेकंड में क्या किया, क्लासिफिकेशन.
क्लासिफिकेशन में आप क्या करोगे, चेक करोगे कि आपने जो अकाउंट बनाए हैं किस बेस पे बनाए हैं, जो आपकी ट्रांजेक्शन्स रही हैं वो कैसी रही हैं। अब इसमें क्या होता है, जितने भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हम एक बुक्स में लिख रहे हैं वो क्या होती है आपका जर्नल, अगर आप उसको ही फर्दर आगे डिवाइड कर रहे हो तो उन बुक्स को क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स, सब जर्नल डिविजन। अब उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो, ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, मतलब ये अकाउंटिंग साइकिल है वो किसमें भी आ सकती है, क्लासिफिकेशन में भी, क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपका जितना भी आपकी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होंगे। देन थर्ड में आप क्या करोगे, समरी बनाओगे। समरी मतलब कैसे, कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम आपकी किस हेड में गई है, तो इस बेस पे आप क्या करोगे, एक समरी को प्रिपेयर कर लोगे। नेक्स्ट है आपकी एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। एडवांटेजेस मतलब कि आपके क्या क्या फायदे हैं। फर्स्ट है साइंटिफिक सिस्टम, कि ये साइंटिफिक सिस्टम कैसे है। अब साइंटिफिक सिस्टम इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि जितना भी वर्क हो रहा है हमारा वो किस अकॉर्डिंग हो रहा है, एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ये क्या है आपकी, एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है तो क्या हो रहा है, मतलब कि रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक सिस्टमेटिकली चल रहा है, तो इसलिए ये क्या है, साइंटिफिक सिस्टम है, इसके रूल्स बनाए हुए हैं इसलिए इसको साइंटिफिक सिस्टम भी बोलते हैं। सेकेंड है आपका कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, जितनी भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसका सारा का सारा रिकॉर्ड होता है, किसमें होगा, जर्नल में होगा, लेजर में होगा, ट्रेडिंग में होगा, ट्रायल में होगा, प्रॉफिट लॉस में होगा, बैलेंस शीट में होगा। नेक्स्ट है आपका प्रिपेयरिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, जितना भी रिकॉर्ड रख रहे हो, रिकॉर्ड रखने के बाद आप क्या कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो किसको, ट्रायल बैलेंस को। ट्रायल बैलेंस में जो अमाउंट डेबिट साइड में आएगी वो डेबिट साइड में जाएगी, जो हेड हमारा क्रेडिट साइड का है क्रेडिट में जाएगी, तो आइटम्स है वो किसमें जाएगी, आपकी क्रेडिट साइड में जाएगी। देन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद आप क्या करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। अब आप क्या कर रहे हो, जितना भी सारा का सारा रिपोर्ट रख रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिल रही है, नॉलेज, आपके माइंड में क्या हो रहा है, आइडियाज आ रहे हैं कि आपने ये अपने हेड में आपने ये ट्रांजेक्शन की थी, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन क्या होगी, तो आप वो एट द एंड ऑफ द ईयर आप उसको चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है लेसर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड क्या होता है, कोई धोखाधड़ी कर रहा है, तो लेसर का मतलब कम, पॉसिबिलिटी हमारे चांस, कि जो हमारे धोखाधड़ी के चांसेस है वो भी क्या रहते हैं, कम रहते हैं। कम क्यों रहते हैं, क्योंकि जो हमारा अकाउंट, एक ट्रांजेक्शन हम क्या कर रहे हैं, बीच बीच में प्रॉपर हम अपनी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे कोई भी फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। सेवंथ है आपका लीगल अप्रूवल। लीगल अप्रूवल में क्या है आपका, कि अगर आपने कोई अकाउंट बनाया है तो वो क्या आपके पास लीगली प्रूफ होगा कि आपने जो ट्रांजेक्शन, सपोज करो कि आपने कोई सेल की है या परचेज की है, और आगे आके कोई कह देते हैं कि हमने ये चीज नहीं ली या आपसे ली है, तो हमारे पास एक रिकॉर्ड होता है, वो हमारी लीगली अप्रूवल होती है हमारे पास, कि हमने कौन सी आइटम्स कहाँ पे लिखी है और हमने किस डेट में इसको सेल किया था। एट है कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी मतलब कि कंपेयर कर सकते हैं हम कि प्रीवियस ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ था और करंट ईयर में हमारी बिजनेस की पोजीशन क्या है। नेक्स्ट है आपका नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब इसमें क्या है, आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपकी नॉलेज ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन। वेरियस इंफॉर्मेशन में कैसे आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो सेल्स हुई है, परचेज हुई है, वो क्लोजिंग स्टॉक है वो किस हेड में गया है और कितनी अमाउंट में गया है, तो ये क्या है, अलग अलग हेड से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। नेक्स्ट है आपका कंपैरेटिव स्टडी हो गया। नेक्स्ट हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प मिल जाती है कि जो हमने अपनी ट्रांजेक्शन प्रिपेयर की है उसमें हमारा ये जो हमारा आइडियाज होंगे, जितनी हमारी ट्रांजेक्शन है वो क्या हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट है आपका सुटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस। जो ये हमारी सारी प्रोसेस है वो सभी टाइप के बिजनेस के लिए सुटेबल है, मतलब आप किसी भी टाइप का बिजनेस करो उसमें ये ऐसे ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है आपकी डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डिसएडवांटेजेस में आपको क्या रहेगा, ये है आपकी डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस में फर्स्ट है आपका एरर ऑफ ओमिशन, एरर्स
ओमिशन, ओमिशन में मतलब ओमिशन क्या, कोई एंट्री आप करना भूल गए हो, तो ये क्या है, आपको याद रहेगा कि जब आपने कोई अकाउंट प्रिपेयर किया था कि उसमें हमारे एरर्स भी आ सकते हैं, हम कोई एंट्री करना भूल गए हैं। नेक्स्ट है सेकंड, एरर्स ऑफ कमीशन। कमीशन सपोज करो आपने किसी से कुछ लिया, कमीशन ले लिया, या आप उसमें एरर दिखा रहे हो, आपने 286 की बजाय आपने 826 लिख दिया, कोई भी अमाउंट है 50,000 की बजाय आपने 15,000 लिख दिया, तो ये क्या है, एक टाइप की एरर है। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए हैं उसमें आपने कोई एरर तो नहीं कर दी, कि जो आपकी अमाउंट डेबिट में जाने वाली थी वो क्रेडिट तो नहीं कर दी, जो क्रेडिट जाने वाली थी वो डेबिट तो नहीं कर दी, तो इसमें क्या रहती है, ये हमारी एक डिसएडवांटेजेस। फोर्थ इज कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेट मतलब कि आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि आपने जितना भी डेटा प्रिपेयर किया है वो कंपेयर कर रहे हो लास्ट ईयर से, कि आपने जो डेबिट की थी वो गलती से अमाउंट क्रेडिट तो नहीं चली गई, जो बैलेंस बचा हुआ था वो हमारा नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर हो गया है या फिर नहीं। तो ये था आपके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। सो स्टूडेंट्स, नाउ क्लोज द चैप्टर। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स प्लीज कंसल्ट मी ऑन व्हाट्सएप। Thank you, students, and good luck.